असलम एवरी वन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद हतीजा आई वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर फोर्टीन रेस्पाइर टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड यानी आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम लोगों ने देखना है कि किस तरह हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करते हैं और किस तरह हमारे टिश्यूज तक पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन बेसिकली दो तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट होता है एक उसका मेजर तरीका जो कि है हेमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होकर जाना और दूसरा एक माइनर जो कि है ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज़ होकर तो पहला हम स्टडी कर हैं जो कि मेन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन अब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बेसिकली है क्या अब हम सब जानते हैं कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके सेंटर पे एक आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं हेमोग्लोबिन अब वो हेमोग्लोबिन क्या करता है उसमें एफिनिटी अफिनिटी है कि वो चार ऑक्सीजन के साथ लूजली बाउंड हो सकता है और इस तरह वो एज एन ऑक्सीजन कैरियर काम करता है ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ये रिएक्शन होता किस तरह है ये रिएक्शन डिपेंड करता है नंबर वन थिंग दैट इज ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा हमेशा ऑक्सीजन उस तरफ मूव करेगा फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन लेना होता है फ्रॉम सराउंडिंग तो हमारे लंग्स पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आर ब्लड तो हमारे पास लंग से जो ऑक्सीजन होगा वो मूव कर जाएगा ब्लड पे क्योंकि उसका पार्शल प्रेशर कम होगा ब्लड पे फिर जब जाएंगे हम टिश्यूज़ पे तो टिश्यूज़ पे पार्शल प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लड तो ब्लड से फिर ऑक्सीजन मूव कर जाएगा टिश्यू के अंदर अब हम रिएक्शन होता किस तरह है कि जब ऑक्सीजन जाता है ब्लड पे तो रिएक्ट करता है हेमोग्लोबिन के साथ और ये रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास एंजाइम कार्बोनिक इनहाइड्रीस होता क्या है कि हमारे पास एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंबाइन करता है चार ऑक्सीजन के साथ यानी ओटो के मॉलिक्यूल के साथ इन द देंस ऑफ द कॉल्ड एंड हाइड्रेस हमारे पास बन क्या जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन एच पी फोर ओ टू लूजली जो चार ऑक्सीजन हैं वो है, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं और ब्लड में ट्रेवल करते हैं ये तो था हमारे पास मेजर तरीका और ये तकरीबन 97 परसेंट जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हेमोग्लोबन की फॉर्म पे ट्रांसफ़र होता है अब ये तो था कि जब ऑक्सीजन आएगा ब्लड में तब वो इस तरह बनता है अब जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ पे रिलीज कैसे होता है अब बेसिकली ये आगे जाके पार्ट आना था इस पर लेकिन मैं यहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये दो प्रोसेसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइस की ट्रांसपोर्ट एक साथ और तो हमारे पास होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कि ट्रांसपोर्ट पर ना हमारे पास हाइड्रोजन आइन्स रिलीज होते हैं वो हाइड्रोजन आइन्स हमारे पास क्या करते हैं कि आके एसोसिएट होते हैं इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ और करते क्या हैं कि हेमोग्लोबिनिक एसिड बना देते हैं और ओ टू जो होते हैं उनको रिलीज करते देते टिशू में ठीक हो गया तो यानी ये रिएक्शन हमारा बेसिकली हो रहा है ब्लड में जब हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो लंग से ब्लड में आ रहा है और ये रिएक्शन कब होगा जब हमारा ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जा रहा है ये मेजर तरीका हो गया हेमोग्लोबिन की फॉर्म पे 97 परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है चार ओ जो है वो एच के साथ कनेक्ट होकर हमारे पास लूजली एसोसिएट होकर हेमोग्लोबिन बनाते हैं अब एक तरीका है जो माइनर तरीका है और वो क्या है इन डिजोल्व फॉर्म डिजोल्व ऑक्सीजन की फॉर्म पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है अब ये जो है ये सिर्फ तीन परसेंट ऑक्सीजन जो है ऐसे करता है ये बहुत इनफिशेंट तरीका है और एक मिस कहते हैं ना कि एक लार्जर क्वान्टिटी ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता एक इनएफिशेंट तरीका है बट स्टिल क्योंकि ये हो रहा है बॉडी पे इसलिए इसको यहाँ का इंक्लूड करना ज़रूरी है तो ये थे दो तरीके ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के जैसे कि हमारी बुक पे लिखा हुआ है एक था हमारे पास की ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो रही ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म पर एक हमारे पास है डिजोल्ड ऑक्सीजन अब चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि मेजर मसला है जो कि हमें आज स्टडी करना है तो अब हमें देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो बेसिकली इसके तीन तरीके हैं हमारे पास एक होता है बायकार्बोनेट की फॉर्म पर एक हमारे पास है कार्बोक्सी ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड द लास्ट इज डिजोल्व फॉर्म तो सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर स्टडी करते हैं दैट इज इन फॉर्म ऑफ़ आयन। अब ये बेसिकली हमारे पास सेवेंटी परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी में इस तरह ट्रांसपोर्ट होता है तो ये सेवेंटी परसेंट ऑफ हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड पे इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसफर होता है अब एक बात यहाँ आपने याद रखनी है कि जो मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सप्लेन कर रही हूँ ये बेसिकली रिलेशन शो कर रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पाइरशन के दरम्यान इंटरनल रेस्पायरेशन हमारे पास क्या है जो कि सेलुलर लेवल पे हो रही है जहाँ हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करते हैं वाटर और सी ओ टू रिलीज होता है और एक्सटर्नल हमारे पास क्या ऑर्गेनि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो रही होती है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं सी ओ टू एक्जेल करते हैं अब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है सेल्स पे या टिशू लेवल पे उसको हमने रिलीज़ करना होता है थ्रू एक्सहेलेशन और जो हमारा ऑक्सीजन में चाहिए होता तो है उसको हम थ्रू इन्हेलेशन अंदर लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बायकार्बोनेट आइन्स हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने टिश्यू से यानी सेल से बाहर की तरफ लेके जाना है और ऑक्सीजन को हमने लंग से टिश्यूज तक लाना है तो बायकार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं और ये कैसे ट्रांसफर होता है सबसे पहले हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स पे बनता है ठीक हो गया वो जाता है ब्लड में डिफ्यूज ब्लड में ट्रांसफर होता है एंड जो सीओ टू था हमारे पास जो हमारे पास सेल पे बना वो जाता है ब्लड और ब्लड पे जाके शोषित होता है विद वाटर विद वॉटर एच टू और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कार्बोनिक एसिड दैट इज एच टू थ्री अब ये कार्बोनिक एसिड जो हमारे पास है ये एक वीक एसिड है और साथ ही साथ हाईली अनस्टेबल है तो ये क्या करते है हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड फ़ौरन से पहले डिसोसिएट हो जाता है और हमारे पास क्या बनाता है हाइड्रोजन आइन प्लस बाइकार्बोनेट आइन अब इस हाइड्रोजन आइन जो रिलीज हुआ है हमारे पास ये अगर तो ये ब्लड में ज़्यादा हो तो ये ब्लड के पीएच को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है एसिडिक कर देते हैं ब्लड को उसका पीएच ड्रॉप कर सकता है बट ऐसा नहीं होता और क्यों नहीं होता पीएच मेंटेन कैसे रहता है बाय हेमोग्लोबिन जो के बफर करता है हेमोग्लोबिन से जो के बफर फिर सोलूशन के तौर पे काम करते हैं अब हमने बफर ये फर्स्ट की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक ऐसा सोल्यूशन है जिस जिसपे माइनर सा चेंज हो पीएच में तो वो उसको निगलेक्ट या फिर नलीफाई कर देता है तो हमारे पास जो एच हेमोग्लोबिन है वो इस हाइड्रोजन को नलीफ़ाई करता है और कैसे कल इसे मैंने पीछे आपको बताया था ऑक्जी हेमोग्लोबिन के केस में कि जो हमारे पास ऑक्जी है वो ग्लोबिन होता है उसके साथ ही जाता है एच पॉजिटिव आइन यहाँ आता है और ये इसके साथ एसोसिएट हो जाता है और हमारे पास बना देता है हेमोग्लोबेनिक एसिड और साथ हमारे पास जो ओ टू थे वो रिल के रिलीज हो जाते हैं और फिर टिश्यू या सेल उनको अपटेक कर लेते हैं फॉर दे कैटाबॉलिक प्रोसेस ठीक हो गया जी अब ये तो हो गया हाइड्रोजन की बात अब आती है ये जो मेन चीज़ है बाइकार्बोनेट ये कहाँ जाता है अब हमारे पास यहाँ एक छोटा सा प्रोसेस या आप इसे फिनोमिना कह लें दैट इज हैज फिनमिना अब हैमवर्जे फिनोमिना क्या होता है? हैमर्जर फिनोमिना में हमारे पास क्या होता है कि टिश्यू से हम बाइकार्बोनेट आयन को ब्लड में रिलीज़ करते हैं और ब्लड में प्रेजेंट क्लोराइड आइन्स को हम अंदर टिश्यू पे लाते हैं अब इसका का मकसद क्या होता है ताकि जो आयनिक बैलेंस है बोथ साइड्स पे वो मेंटेन रहे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिर्फ बायकार्बोनेट आइंस जो है वो आउटसाइड मूव करते हैं तो आउटसाइड ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो जस्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑन बोथ द साइड्स, द ब्लड एंड द टिश्यू तो जो हमारे पास क्लोराइड आइंस हैं उनको हम इन मूव कराते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई टिश्यू एंड दिस इज माई ब्लड अब यहाँ टिश्यू में प्रेजेंट है हमारे पास बाय कार्बोनेटाइन्स और यहाँ हमारे पास हैं क्लोराइड अब इनकी ट्रांसपोर्ट पॉसिबल कैसे होती है हमारे पास यहाँ होती हैं कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं बाय कार्बोनेट क्लोराइड अब क्लोराइड बाई कार्बोनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्लोराइड बायो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये प्रेजेंट होती है हमारे पास मेम्रेन पे सेल्स की और ये करती हैं बायो कार्बोनेट को बाहर की तरफ मूव करती हैं और क्लोराइड आइंस को इनसाइड मूव कराती हैं इससे हमारे पास क्या होता है कि जो एक इक्विलिब्रियम है आइंस का वो दोनों साइड पे मेंटेन रहता है इस फिनला को हम हम दर्जे कहते हैं और साथ इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं अब अगेन जैसे यहाँ हाइड्रोजन आइन से हमारा जो था पी वो खराब हो सकता था लो हो सकता था वैसे ही इन नेगेटिव आइन से भी हमारा पी बदल सकता है तो इन सब के अक्यूमुलेशन से पीएच को बचाने के लिए हमारा ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी क्या मैकेनिज्म फॉलो करती है कि जो क्लोराइड जाता है इन साइड द सेल उसको रिएक्ट करवाते हैं विथ पोटेशियम आइन और ये बना देते हैं हमारे पास के जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है और साथ ही साथ जो हमारा बाइकार्बोनेट आइन आया था ब्लड में वो रिएक्ट करता है ब्लड में प्रेजेंट सोडियम आइन के साथ और बना देता है सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह ये दोनों नेगेटिव आइंस नलिफाई होकर हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंसेस न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्ट्स बना देते हैं अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मूवमेंट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है तो जैसे ऑक्सीजन को उसका पार्शियल प्रेशर कंट्रोल कर रहा है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसका पार्शियल प्रेशर ही कंट्रोल कर रहा है तो जो मूवमेंट है हमारे पास तो मूवमेंट ऑफ सी ओ टू को हम कैसे कंट्रोल करती है बॉडी इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शल प्रेशर ऑफ़ सी ओ टू अब वही बात होगी कि जहाँ पार्शल प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगा तो सी ओ टू हमेशा कम वाले साइड पर मूव करेगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वहाँ पार्शल प्रेशर सी ओ टू का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड तो हमारे पास जो सी ओ टू होता है वो टिश्यू से मूव कर जाता है ब्लड पे फिर जब यही ब्लड जाके एक्सपोज होता है लंग्स के पास लंग्स लंग्स के इन स्पेसिफिक एल्वलई की बात हो रही जो कैपलेजन उनकी बात हो रही है तो लंग्स पे अब इसका पार्शियल प्रेशर कम है तो ये सी ओ टू फिर लंग्स पे ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ से फिर एक्सहेल आउट हो जाता है तो ये तरीका सबसे जो उसका मेन तरीका है सेवेंटी परसेंट जो है इस तरह ट्रांसफर होता तो है ये अक्सर पेपर में आता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बस थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि बाईकार्बोन के फॉर्म पे कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज़ हो रहा है इस टिश्यूज़ पे या सेल्स पे रेस्पायरेशन के प्रोसेस में वाटर के साथ कंबाइन होता है और बस कार्बोनिक एसिड बनता है अब ये मत पूछे कि वाटर कहाँ से है क्योंकि वाटर जो है वो भी रेस्पायरेशन के प्रोसेस में रिलीज हो रहा है टिश्यूज़ में रिएक्ट करता है कार्बोनिक एसिड बनता है कार्बोनिक एसिड क्योंकि एक वीक और अनस्टेबल एसिड है वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और बायकार्बोनेट आइंस बनाता है अब हाइड्रोजन क्या कर सकता है पीएच को लो कर सकता है एसिडिक बना सकता है ब्लड को तो जो हेमोग्लोबिन है वो बफर करता है इसको और कैसे बफर करता है जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है जो ब्लड पे आता है उसके साथ ही सोसिएट रिएक्ट करता है और ग्लोबिनिक यानी हेमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है ओ टू रिलीज होता है अब ये जो ओ है हमारे पास ये जाता है टिश्यूज़ पर और फिर हमारे पास प्रोसेस ऑफ रेस्परिएशन को करवाता है फिर आगे आते हैं हमारे पास हेम्बर्जर फिनमुना के जो हमारे पास बाई कार्बोनेट आइन्स बने हैं उनको हमारे जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वो आउट इंड द ब्लड मूव कराते हैं और इसी दौरान आइन के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ब्लड से क्लोराइड आइंस अंदर की तरफ मूव करते तो हैं इसको मेंटेन कौन करवा रहा है स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड क्लोराइड बाई कार्बोनेट ट्रांसफर्ट प्रोटीन इस फिनोमुना को हेम्बर्जर फिनमुना या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं अब जो क्लोराइड आइन अंदर आ रहा है इस सेल के वो पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर के सी बना देता है नी न्यूट्रल सोल्ट बायोकार्बोनेट सोल्ड करके एन एच बना देता है अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड मूव कैसे करो क्यों कर, कर रहा है तो उसकी मूवमेंट डिपेंड करती है पार्शल प्रेशर पर जहाँ पार्शल प्रेशर कम होगा सी का वो हमेशा वहाँ मूव करेगा तो ये टिश्यू पे सी ओ रहा है तो वहाँ उसका पार्शल प्रेशर ज़्यादा है ब्लड पे सी ओ बिल्कुल थोड़ी अमाउंट पर तो इसलिए सी ओ टिश्यू से ब्लड पे मूव करेगा फिर जब यही ब्लड जाएंगे उन कैपिलरीज पे जो कि एल्विलाई को इनकलोज एलविलाय को सराउंड करती हैं तो फिर जो सी है ये रिलीज़ हो जाएगा फिर मूव कर जाएगा लंग्स के एल्विलाई फिर वहाँ से एक आउट हो जाएगा अब आते हैं आखिरी दो मेथड इसके सेकेंड इज कार्बॉक्सी हेमोगलोबल अब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन हमारे पास इसका इतना मेजर हिस्सा नहीं है ट्वेंटी थ्री परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ इस फॉर्म पे ट्रांसफ़र होती है इसमें होता क्या है जो हमारे पास सी ओ टू है हमारा वो एसोसिएट होता है ग्लोबिन पार्ट के साथ ऑफ हेमोग्लोबिन और इस तरह हमारे पास क्या बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन अब ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बिल्कुल ऑक्सी हेमोग्लोबिन की तरह ही काम करता है जहाँ जाता है फिर वो अकॉर्डिंग टू नीड जब इधर पहुंचता है लंग्स के करीब तो वहाँ पार्शियल प्रेशर की ब्रेक डाउन हो जाती है और ये रिलीज़ हो जाता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म पे क्या है किसी ट्वेंटी थ्री परसेंट कार्बन डाइक्साइड इस ट्रांसफर होता है सी ओ टू जो ग्लोबिन पार्ट होता है हेमोग्लोबिन कनेक्ट होता है यानी प्रोटीन वाला जो पार्ट उस साथ कनेक्ट हो जाता है और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है फिर जब ये लंग्स के करीब आएगा तो कार्बोक्स पार्शियल प्रेशर इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट ये दोबारा से सी ओ टू और वाटर बना के लंग्स में पहुँच जाएगा अब बात हमारे पास आती है इसका तीसरा मेथड दैट इज डिजोल्व या फिर डिजोल्व इन प्लाज्मा और ब्लड प्लाज्मा तो जो ये मेथड है सिमिलर जैसे ऑक्सीजन का मैंने बताया था ये एक बहुत ही इनएफिशिएंट मेथड है सिर्फ सात परसेंट कार्बन इस तरीके से हमारे पास तो रिमूव होता है अब एक किसान बेसिकली एक जनरल तरीका है, है फॉर एग्जांपल ब्लड पे सी टू गया वो पूरे ब्लड पे फैल जाएगा अब ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड जो है वो एल्विला के करीब ही जाए एक साथ जाए सारा ब्लड सारा वैसा तो नहीं जाएगा तो इनफिशियंट तरीकों से सी टू को रिलीज़ करने का तो तो कुछ ना तो कुछ, तो कुछ अमाउंट सी टू की बॉडी में रिटेन कर जाती है तो गाइज यहाँ के आज का लेक्चर अपने एंड को पहुँचता है ये बहुत सिंपल लेक्चर था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में बार बार रियकर होने वाला टॉपिक है तो पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी थी दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन था डिजॉल्व फॉर्म पे था फिर मैं देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रांसफर होता है तीन तरीके थे हमारे पास बायकार्बोनेट आइंस की फॉर्म पर कार्बॉक्सीमोग्लोब एंड लास्ट रिजॉल ब्लड प्लाज्मा आई होप आप आज के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे बट इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट सो तो फील फ्री टू तो कमेंट मिन द कमेंट सेक्शन बिलो इसके अलावा अपनी इंस्टाग्राम आई भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप लोग मुझे डी भी कर सकें और वन लास्ट थिंग इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल येट सो डोंट फॉर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब आई कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली तब तक के लिए अला हाफेज अलाने के बाद